अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिन केयर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राशल के वाइट स्किन केयर सीरीज़ के बारे में, जो कि 4 पीसेस का सेट है। ये वाइटनिंग के लिए है, फैट स्पॉट को यानी कि डार्क स्पॉट को ये कम करता है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी बड़ी खूबसूरत से इसकी पैकेजिंग है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी बुक दी हुई है ना, इस पर यूज़ करने का सारा तरीका इस पर मैंशन है कि तो आपने किस तरीके से यूज़ करना है। और ये इसमें है इनका क्लिंजर है, और ये इनकी डे क्रीम है, ये है नाइट क्रीम, और ये है सीरम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिंजर के बारे में। मैं आपको क्लिंजर के बारे में बताती हूँ। क्लिंजर पे ये क्लेम करते हैं कि मेकअप रिमूवर है, मेकअप को रिमूव करता है, फैट डार्क स्पॉट को कम करता है, और वाइटन स्किन और स्किन को वाइटनिंग देता है। तो ये बाकी इनकी बात ठीक है, स्किन को वाइटनिंग भी देता है और डार्क स्पॉट को कम करता है। और इसके इंग्रेडिएंट में वैसे तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें ऑर्बिटन और है जो कि वाइटनिंग इफेक्ट देता है, और नियासिनामाइड है जो कि ओपन पोर्स को शीरिंग करता है और स्किन को फ्रेश रखता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बड़ी क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। ये मैं आपको ओपन करके चेक करवा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है, बहुत थोड़ा सा अप्लाई करना होता है, इतना सा ही बस आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा ही लगाने से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फोमी सा है और लेदर क्रिएट करता है। जब आप इसको वाटर के साथ अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये फोम ये लेदर से क्रिएट करता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई किया था, कितना ज़्यादा हो गया। जब आप इसको वाटर के साथ लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फोम बनाता है। ठीक है, और ये मेकअप को रिमूव करता है और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और इसके अलावा डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, और आपकी स्किन को अगली प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए प्रिपेयर करता है। अब मैं इसको साफ करके आपको दिखाती हूँ, अगली प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। ये देखें, थोड़ा वाइटनिंग इफेक्ट देता है, लेकिन इतनी जल्दी गोरा जेटा नहीं बनाएगा। थोड़ा आपने इसको प्रॉपर यूज़ करना है तो ऐसा ऐसा इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। रिज़ल्ट इसका बहुत स्लो है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी नाइट क्रीम की। ये है इनकी नाइट क्रीम, ये भी ग्लास जार में है जो इनकी नाइट क्रीम है, और बड़ी खूबसूरत सी इसकी कैप है, सिल्वर कलर की इसकी कैप है। और ये क्लेम करते हैं कि ये रिड्यूस पिगमेंटेशन को कम करती है, और इसके अलावा 24 आवर्स मॉइस्चराइज करती है स्किन को, इवन स्किन टोन करती है। तो चलिए इसको भी ओपन करके मैं दिखा देती हूँ किस तरीके की है ये। ये देखिए, इस तरह से ये इनकी क्रीम है। देखिए ये क्रीम, ये भी आपने बहुत थोड़ी सी अप्लाई करनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ये वाइटनिंग इफेक्ट सा देती है स्किन पर, बीबी क्रीम या फाउंडेशन की तरह थोड़ा हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट सा छोड़ देती है स्किन पर, लेकिन बहुत लाइट सी है। ऐसे नहीं लगता कि कोई चीज़ अप्लाई की है, कोई हैवी सा नहीं फील होता, लाइट सी है, पता नहीं चलता कि आपने कुछ अप्लाई किया है। हल्का हल्का सा वाइटनिंग देती है स्किन को। ये देखें, थोड़ा सा हल्का सा फर्क आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे हैं इसके। वाइट स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा आपको, तो आपकी ये पिगमेंटेशन भी आस्ते आस्ते ऐसे कम होना शुरू हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। रिज़ल्ट अच्छे हैं इनके, लेकिन बहुत स्लो रिज़ल्ट है। और इसके बाद ये बात कर लेते हैं इनकी डे क्रीम की। ये इनकी डे क्रीम, ये भी ग्लास जार में है, और इसकी भी सिल्वर कैप बड़ी खूबसूरत सी है। देखिए, इस तरह से ये क्रीम भी इनकी, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये है इनकी क्रीम, डे क्रीम है, जो बहुत लाइट सी है और इस तरह इजीली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने कुछ अप्लाई किया है। वरना बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम में ऐसी होती हैं कि लगाने के बाद ऐसे घबराहट सी फील होती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको लगाने से कुछ ऐसा नहीं होता, ना तो घबराहट फील होती है ना ही पसीना वगैरह आता है। बहुत जल्दी स्किन में ऐसे अब्जॉर्ब हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया है, और बहुत लाइट सा फील होता है, और वाइटनिंग रिज़ल्ट भी ये देती है। लेकिन वही बात कि आपने इसको यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है, तो ये एक दो दिन में गोरा चिट्टा नहीं बनाएगी। कम अज़ कम आपको इसके लिए
टेन से फिफ्टीन डेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 से 15 डे में आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। तो ऐसा ऐसा इसका जो रिज़ल्ट मिलता है, वेटनिंग रिज़ल्ट इसका बहुत स्लो है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके सीरम की। ये है इनका सीरम। इस पर ये क्लेम करते हैं कि ये भी रिड्यूस पिगमेंटेशन और फैट डार्क स्पॉट और वाइटनिंग, स्किन स्किन को वाइटनिंग भी देता है और डार्क स्पॉट को कम करता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। तो चलिए इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसकी पैकेजिंग भी देख लें, पैकेजिंग इसकी भी बड़ी खूबसूरत है। ग्लास जार में और पंप के साथ है ये। इसका पंप है, इसको मैं आपको ये ओपन के लगा के दिखाती हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, रनी भी नहीं है और थिक भी नहीं है। थिन आप इसको कह सकते हैं थोड़ा। ये देखें, ये मैं आपको लगा के, इसके आपने 2 से 3 ड्रॉप जो है अपने हैंड पे अप्लाई करने और अपने फेस पे आपने लगा लेने हैं। और आपने इस तरह इसको टैप टैप करके आपने अपने स्किन पे इसको अब्जॉर्ब कर लेना है। बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन जो है आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हो जाती है स्किन इससे ऐसे। और जो पोर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखें, अच्छा रिजल्ट है इनकी वाइटनिंग सीरीज़ का। लेकिन ये कि बहुत स्लो रिज़ल्ट है। ये इस तरह नहीं है कि आम वाइटनिंग क्रीम की तरह आपको एक दो दिन में गोरा चिटा कर दे, इस तरह नहीं है। तो इसके रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही स्लो इसका रिज़ल्ट है। इसको लगाने रिज़ल्ट के लिए आपको 10 से 15 डेज तक वेट करना पड़ेगा, फिर आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। तो अच्छी है वैसे ये। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का रिव्यू। आज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।